बायोडायवर्सिटी और सस्टेनेबिलिटी के एकेडमिक जार्गन का हमसे कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है कि हम यहाँ वायरस हैं। हमारी रचनाएं तो यही दर्शाती हैं। कला और वास्तुकला यही दर्शाती हैं। चारों ओर नजर फिराएं और आप इसे देख पाएंगे। Hi, this is Amshu Chuki. I thank Artistry Plus for making this video. To support this channel, please like, subscribe and share. Thank you. आज आर्ट हिस्ट्री प्लस में हम अंशु चुक्की के एक अद्भुत चारकोल ड्राइंग माउंटेन्स लेस इनविजिबल या द माउंटेन्स आर इनविजिबल या पहाड़ अदृश्य देख रहे हैं। क्या आप उन्हें देख सकते हैं? यह कहीं दोहरा भाषण तो नहीं जो इस तरह से कम्युनिकेट किया जा रहा है, जो सत्य को गलत तरीके से प्रस्तुत करता है और अस्पष्ट कर देता है। सच क्या है, कौन जाने। इस काम के कलाकार जो भी देख रहे हैं उसे सतह पर लाने के लिए कागज पर ग्रेफाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं। सतह पर, ऑन द सर्फेस, लेकिन सतह के नीचे क्या है, हम समझाने की कोशिश करेंगे। सोमाटो की टेक्निक का उपयोग किया गया है। यह शेड्स और टोन्स को एक दूसरे में फ्यूज करने की अनुमति देता है, जिससे सॉफ्ट आउटलाइंस और हेजी फॉर्म्स बनते हैं। जरा देखें, वे लगभग ट्रेसिंग या फ्रिटाजेस की तरह दिखते हैं, ऐसे जैसे जब आप एक सिक्के पर पेंसिल रगड़ते हैं और उसका प्रिंट लेने की कोशिश करते हैं। अंशु इस मीडियम का अच्छी तरह से उपयोग करना जानते हैं। इसका प्रमाण मीडियम पर कंट्रोल से लगाया जा सकता है। वे हमें बताते हैं कि दृश्य और अदृश्य के बीच निरंतर शटल है, जो हमारे सामने लाए गए हैं उन रूपों को जीवंत करके जो धिंध में छुपे हुए थे। क्या आप देख रहे हैं जो हम देख रहे हैं? यदि आप अपनी पेंसिल्स जानते हैं तो आपको पता चलेगा कि यहाँ 6B, HB, 2B इत्यादि सभी शेड से लेकर सभी इमेजिनेबल ग्रेफाइट माध्यमों का भी उपयोग किया गया है। जो कुछ भी आप पॉसिबली सोच सकते हैं वह यहाँ एक्शन में है, इस ड्रॉइंग में। कुछ खास बात है जो अंशु हमें यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वह हमें कुछ ऐसा दिखा रहे हैं जो अभी के बारे में नहीं, बल्कि कुछ ऐसा है जो भविष्य से संबंधित है। आज के आधार पर आपको भविष्य दिखाने वाले लोगों को आप क्या कहते हैं? ज्योतिषी, जादूगर, ब्लफ मास्टर या शायद आर्किटेक्ट और कलाकार भी। अंशु चुक्की डिसइल्यूजन की मानवीय चाल पर इस हद तक सवाल उठाने में कामयाब हो जाते हैं कि फैक्ट और फिक्शन का विचार धुंधला हो जाता है। अब चलो काम के साथ चलते हैं, लेकिन सावधान रहें कि आप अपना रास्ता ना खो दें। हम अपने आप को 1960s में ले जा रहे हैं, एक राष्ट्र निर्माण अभ्यास में लगी दुनिया। यह स्वतंत्रता और विकास का समय था। मॉन्ट्रियल शहर जहाँ पर यह काम आधारित है, वहाँ कनाडा 1976 के ओलंपिक्स को होस्ट करने की तैयारी कर रहा था। बायोडोम का निर्माण शुरू किया गया था और जल्द ही इसमें आग लग गई। उस समय के बुद्धिमान लोगों ने इस संरचना को एक इंडोर चिड़ियाघर में बदल दिया। अब यह संरचना जो एक इंडोर चिड़ियाघर में बदल गई है, जानवरों और पौधों का आवास बन गई। इस घटना ने कलाकार को चकित कर दिया। काम का जन्म चिड़ियाघर में वर्कर्स के इंटरव्यू से एकत्र किए गए फुटेज से हुआ था। उन्हीं वीडियोस और स्टिल्स के कॉम्बिनेशन से कुछ ड्राइंग्स बनाए जो एक भयानक मानवता का सार देते हैं। आर्टिस्ट वहां काम करने वाले लोगों के साथ हुई बातचीत के आधार पर और डोम के वीडियो के साथ एक फिल्म भी बनाते हैं। एक प्लास्टिसीन वास्तविकता को वह इस तरह से हाईलाइट कर देते हैं। अंशु वास्तुकला, आर्किटेक्चर की ओर अपनी रुचि दिखाते हैं। यहाँ वह ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं जो भविष्य के साथ हमारी प्रीऑक्यूपेशंस का सामना करते हैं। हर कोई भविष्य के बारे में जानना चाहता है ना? कितने इनसिक्योर हैं हम। आप इस जानकारी के साथ क्या करने जा रहे हैं? इससे भी महत्वपूर्ण बात यह कि क्या यह जानकारी मददगार है? मनोवैज्ञानिक रूप से इसका हम पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक इसी की तलाश अंशु कर रहे हैं।
भविष्य के साथ हमारा यह ग्लोबल प्रीऑक्यूपेशन। आर्किटेक्चर्स हमारे समय की पॉलिटिकल, जियोग्राफिकल और सोशल सिनेरियोस के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। कैसे सीलिंग कितनी ऊंची होगी, उपयोग की जाने वाली सामग्री और मीडिया और क्या उपलब्ध है, ये सभी हमें एक समय के बारे में बताते हैं। यह भविष्य की वास्तुकला है या कयामत? ऐसी संरचनाएं मानव विचारों को क्या करती हैं? जब इन्हें कलाकार द्वारा डॉक्यूमेंट किया जाता है तो वे असामान्य रूप से शांत हो जाते हैं, सभी मानवीय उपस्थिति से विरल हो जाते हैं और ऐसा मानो इनसे जीवन छीन लिया गया है। क्या यही भविष्य है? क्या आप यही भविष्य चाहते हैं? अंशु ग्रेफाइट का उपयोग ब्लरीनेस, शार्पनेस और वास्टनेस लाने के लिए करते हैं। प्रकृति प्लास्टिक से ढकी हुई प्रतीत होती है। मैनमेड डोम में फंसकर प्रकृति पर लगाम लगा रहे हैं मानव। उन्हें लगता है वे जीत रहे हैं। काश। कलाकार जो देख रहे हैं उसमें हेरा फेरी करते हैं, पर कौन नहीं करता? वह देखते हैं यह प्लैनेट कैप्चर और कंट्रोल करने के लिए हमारा है। चिड़ियाघर तब हमारे जीवन का एक रूपक, एक मेटाफर है जिसका मंचन किया जा रहा है यहाँ। मानव मानस या साइकी ही नियंत्रण करना, भविष्य का पता लगाना, डोमिनेट करना इत्यादि है, और प्रकृति की पहेली का सारांश निकालना भी। अंशु ने इस क्रूरता को बहुत ही खूबसूरती से कैद किया है। डोम ट्रांजिशन कर रहा है पर अभी भी अपने मूल अतीत के रेमनेंट से भरा पड़ा है। इस विचार को बनाने में अंशु वेगनेस के माहौल का उपयोग करते हैं। वह एक इन्वेस्टिगेटर है, एक शामन जो हमें भविष्य बता रहा है। वो भविष्य जिसकी पहले से योजना बन गई थी पास्ट में ही। तो कैसा रहा? बढ़िया। यह आज भी सामूहिक रूप से हमारे बारे में बहुत कुछ कहता है। इसके बारे में एक सेकंड सोचिए जरूर। अपना ध्यान रखें। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें और आगे की वीडियोस के लिए सब्सक्राइब भी। शुक्रिया।